एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, मम्मी के घर आई, आप लोगों को पता है। तो मम्मी के घर से मौसी लोगों का घर भी बहुत ज़्यादा पास है, तो मौसी लोगों से मिलने आई हूँ। और आते ही मैंने देखा कि मौसी एकदम सामने इमली लेके बैठ गई है। मैं मौसी से पूछूंगी कि वो इमली का करेंगी क्या, इतना सारा इमली भर भर के। ये मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर। दीदी कितने दिन के बाद आ रही है। अच्छा, तो ये मौसी है, देखो ये देखो इमली लेके कैसे बैठ गई है। इतनी सारी इमली का मौसी करोगी क्या? ये मेरी दूसरी सिस्टर है, छोटी मौसी की लड़की। मौसी बताओ, वाला इमली से जैसे सांभर वाला दाल बनाएंगे। अच्छा, फिर जैसे गोलगप्पा का पानी बनाएंगे। अच्छा, जैसे कोई धुना पुदीना का पत्ता का उसका चटनी बनाएंगे। अच्छा, मतलब ले लो पुदीना। मौसी ने सारा कुछ मतलब आगे के लिए प्लानिंग करके रखा है कि क्या क्या करना है। इस वजह से ये इमली को ऐसे मतलब निकाल के इसको क्या करके रखोगे, ऐसे छुड़ा छुड़ा के इसको छटाई करके धूप में सुखो कर फिर नमक डाल कर रख देंगे, फिर डब्बा भर कर रख देंगे, स्टोर हो जाएगा एक दो साल के लिए। वाह, तो जल्दी से खराब नहीं होगा, अच्छा रहेगा। देख लो फ्रेंड, क्या आइडिया है। ले लो पुदीना। बंगाली लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, बोलते है ना, सच में बहुत ज्यादा ही तेज होता है। पुदीना। और अंश यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं दिखाती हूँ अंश क्या कर रहा है। अंश यहाँ पे छोटा भाई है मेरा, उसकी गाड़ी लेके मम्मा मेरी गाड़ी कर रहा है। वो अभी नया नया पैदल चलना सीखा है ना, और गाड़ी की सहारा होता है इसको। देखो उस गाड़ी से खेल रहे हैं। और मेरे आते ही मौसी ने चेयर निकाल के दे दिया कि बैठ जाओ, पर बैठने का मन नहीं कर रहा। धूप बड़ी अच्छी निकली है। मौसी ने यहाँ पे चाय बनाया है, और ये घर पे बनाया है नमकीन, और ये पास्ता, तो ये मेरे लिए निकाल के दिया है। और अंशिया तो मज़े से खा रहा है। वो नानी उधर थोड़ा दिख नहीं रहा, नानी भी चाय पी रही है। नानी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। नानी बैठ जाओ ना, वहाँ पे बैठ जाओ। मौसी और निकाल रही है, मौसी पापे भर भर के रख रही है। और ये लिटिल सिस्टर हमारी, ट्यूशन नहीं जाऊंगी दीदी, छुट्टी दिलवा दो, मम्मा छुट्टी दिलवा दो, कर करके छुट्टी ले लिया। मिल तो गया आप छुट्टी, ड्रामा तुम ही खबा ना, ऑटो तुम ही खाओ। तो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम है, और दोपहर के टाइम में मौसी लोगों के घर गई थी, तो थोड़ा बहुत मस्ती किया, बट मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, और भाई बहन बहुत ज़्यादा मतलब बदमाशी कर रहे थे, चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो मैं अभी घर आ गई हूँ, और अंश जो है मौसी के घर में ही सो रहा था। तो तब तक मैंने सोचा कि खाना वाना बना लूँगी, तो खाना वाना मेरा बना नहीं है, बट अंश उठ गया। तो यहाँ पे मेरे चावल बन चुका है, और मैं गई थी थोड़ी सी मार्केट, तो अंश के पापा आने वाले थे, तो थोड़ा उनके लिए चिकन बना रही थी। और मॉर्निंग के लिए कल मैं फ़िश लेके आई थी, तो मॉर्निंग के लिए मतलब फ़िश फ्राई है, और मॉर्निंग में क्या बनेगा जल्दी से, उसके लिए मैं सब्जी वब्जी काट के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता मम्मी को कि वो जल्दी जल्दी खाना वाना बनाए, इसलिए मैं उनके लिए सब्जी वगैरह अभी काट के रख देती हूँ। हाँ, मेरा बन रहा है चिकन, और चावल मेरा बन के रेडी है, और ये मॉर्निंग में बनेगा सीताफल, और इसके साथ बैंगन आलू डाल के ये कल रात की मछली फ्राई रखी है, तो इसी की सब्जी बनेगी मॉर्निंग में। तो ये ना सीताफल, और इसमें एक बैंगन डालूंगी, और ये एक बड़ी सी आलू है, तो ये सब चीज़ें भी मैं काट के रख देती हूँ, काट के धो के अच्छे से रख दूँगी मैं। तो फ्रेंड, लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है मम्मी के घर में, है ना, इस वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बट मैं हमेशा जब भी लाती हूँ मैं ना ये पका हुआ सीताफल ही लाती हूँ, मुझे कच्चा सीताफल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये पका हुआ वाला बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आलू बैंगन मिला के हल्का हल्का ग्रेवी के साथ मछली बनाओगे, इतना टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी मैं इसको काट के धो के अच्छे से रख दूँगी, और सुबह मम्मी मॉर्निंग में इन सब चीज़ों का सब्जी बना लेगी। तो कुछ ऐसे पीसेज में काटे हैं मैंने, देखो क्या करते हैं वो टॉफी। एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के टॉफी देख लो फ्रेंड्स, एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के खेल रहे थे। अच्छा, ये देखो। और मेरे पास अंश की एक वीडियो है जिसमें अंश अपने पापा के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है, और मेरे साथ भी बहुत मस्ती करता है, वो मैंने घर पे शूट किया था। मैं उसको डालूंगी फिर डालना हुआ नहीं, वो मैं इस ब्लॉग के बाद डालूंगी, देखना कितना बदमाशी करता है वो। नाइट के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बदमाशी करता है। खा खा, क्या खिला रहा है, दिखाओ
ये भगवान मुंह में टॉफी डाल के मुंह से टॉफी ले रहा है, देखो देखो इतना बदमाशी करता है। किसका? और ये किसका है? तुम्हारा ही होगा। और मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो मम्मी के आते आते 10:30 बज जाएगा या फिर 11:15 तक हो जाता है। तो फिर आज का ये वाला ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। छोटा सा ही ब्लॉग था, किसी ने कमेंट किया था ब्लॉग थोड़ा बड़ा बनाया करो। फिर मैं बड़ा ब्लॉग बनाती हूँ ना, फिर उसका एवरेज टाइम ख़राब कर देते लोग, स्किप कर करके देखते, पूरा देखते नहीं है। 10-15 मिनट का अगर ब्लॉग बनाओ तो इस वजह से वीडियो मेरी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं छोटा छोटा ब्लॉग बनाती हूँ, 6 मिनट 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, बस उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती हूँ। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।